तो चाहे रक्षाबंधन हो या भैया दूज, जितने भी त्यौहार आते हैं महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हैं, बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप लोग क्षेत्र में रहकर और अलग अलग प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं, आज मेहंदी का निःशुल्क आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो अभी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसका जो सदस्य होता है उसमें समाज सेवा करने की भावना होती है। इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे बाहरी दिल्ली जिला के मंत्री भाई भीम सिंह जी के द्वारा ये कैंप लगाया गया है, और आज ही नहीं अभी पीछे रक्षाबंधन गया, रक्षाबंधन में भी ये कैंप लगाया गया था इसी दुर्गा चौक पे, और दुर्गा चौक के साथ साथ और भी कई जगह हमारे विभिन्न पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से और भी कई व्यवस्थाएं, यहाँ भी और सारी व्यवस्थाएं, यहाँ मोदी की स्टॉल लगा है, पुरानी दिल्ली की चाट की भी व्यवस्था है। अभी शाम को जैसा कि भीम भाई ने बताया कि डांडिया नाइट्स भी हैं, यहाँ हमारी बहनें डांडिया भी कर पाएंगी, उसके लिए टीम भी बाहर से आ रहे हैं। तो ये सब एक जिसमें समाज सेवा की भावना होती है वही लोग करते हैं, और वो भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भाजपा का कार्यकर्ता वही बन सकता है जिसमें समाज सेवा की भावना हो, जिसमें समाज के लिए कुछ करने की क्षमता और तत्परता हो। इस काम के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि अभी जिस तरीके का आयोजन लंबे समय से भीम सिंह द्वारा किया जा रहा है, और आपने देखा रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है साथ में, और बहुत ज़्यादा जो मेहंदी के साथ साथ जो महिलाएं आ रही हैं एंजॉय भी कर रही हैं, क्योंकि डांस प्रोग्राम भी साथ में चल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, बहनों का कार्यक्रम है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, करवा चौथ हो, ये बहनों के अपनी लंबी सुहाग के लिए, अपने सुहाग की उम्र उनकी दीर्घायु हो, इसके लिए ये व्रत रखती हैं और पूरे इंजॉयपूर्ण तरीके से रखती हैं उसका, वो पूरा जो एक कहते हैं आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी उसका पूरा इंजॉय वो लेती हैं। उसी इंजॉयमेंट के साथ भाई हमारे भीम सिंह जी ने ये कार्यक्रम रखा है, भीम सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, और इस तरीके कार्यक्रम पूर्व में भी रखते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आगे भी रखते जाएंगे। भीम भाई ने भी ये कार्यक्रम रखा है, और आज का और कल का दो दिन का कार्यक्रम है ये, और आगे भी इसके बाद में जो भैया दूज वगैरह आने वाला है उन सब में भी ये कार्यक्रम रखे जाएंगे। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और भीम भाई को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम वो रख रहे हैं, और बहनों का और किराड़ी विधानसभा के विशेषकर सभी मातृशक्ति का ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए भीम भाई को अपना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भीम जी क्या कहेंगे, किस तरीके से आपके मन में ये प्रेरणा आई कि हम निःशुल्क मेहंदी का आयोजन करें, क्योंकि आपने पिछली बार भी किया और लगातार करते ही आ रहे हैं और आज भी कई दे रहे हैं, चाहे वो चाट के हो या चाय की व्यवस्था हो, चाहे डांडिया का हो या फिर रंगारंग कार्यक्रम का, क्या कहेंगे इसको लेकर? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम की प्रेरणा है ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदस्य होने के कारण, हमारी भारतीय जनता पार्टी जैसे भी आपको पिछले पूर्व जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया कि सभी कार्यकर्ताओं के अंदर ये प्रेरणा स्वाभाविक रूप से रहती है, क्योंकि हम एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ देश की सेवा से के लिए ही निरंतर प्रयास करता रहता है, और जिस प्रकार से प्रलोभन देकर लोग आजकल बहनों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी बहनों को इस कार्यक्रम के माध्यम से इससे भी अवगत करा रहे हैं कि बहनों को स्वार्थ के लालच में नहीं फंसना है, क्योंकि दिल्ली की जो पिछले 10 सालों से स्थिति बनी है, और मैं दिल्ली की बात करूँ उसके साथ साथ किराड़ी की जो बदहाली है, हम सब लोग किराड़ी के निवासी हैं, बहनें किराड़ी की निवासी हैं, और मैं ये कार्यक्रमों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी सभी बहनों को कि वो इन प्रॉब्लमों में ना आए कि भाई मुफ्त की 5 रुपये की टिकट के चक्कर में उन्होंने आज स्कूल की क्या दशा बना दी है, 5 रुपये बस का किराया फिर करने के कारण आज सारी सड़कों की स्थिति क्या हो गई है, 5 रुपये फ्री करने देने के साथ साथ उन्होंने कितना बुरा हाल इस मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से बना दिया है। फ्री तो आप भी कर रहे हैं, आयोजन जितने भी आयोजन कर रहे हैं वो भी आप निःशुल्क कर रहे हैं, ये एक संदेश देने की प्रक्रिया है, निःशुल्क नहीं है ये भाई और बहन का प्रेम का माध्यम है साहब। फ्री देने का माध्यम होता है कि हम इनको मुफ्त देकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कहते हैं कि आप आइए मुफ्त में सेवा लीजिए, हम मुफ्त दे रहे हैं इसलिए वोट दीजिए। हम यहाँ किसी बहन से अपील नहीं कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, हम सिर्फ बहनों को ये समझा रहे हैं कि ठगने की आवश्यकता नहीं है। जो महाठग इस दिल्ली में इस समय बैठा हुआ है उसका काम और काम सिर्फ दिल्ली में लोगों को ठगने का है, और उस ठगाई के कारण यहाँ दिल्ली की इतनी बदतर हालत हो गई है,
और मैं सभी आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी आपके माध्यम से इस कैंप को और हम लोगों को सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आएँ और एक संदेश लेकर जाएँ कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी उपयोगी है और आने वाले समय में भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी, क्योंकि स्कूलों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से सांप निकल रहे हैं। मैं किराड़ी का निवासी हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़कर आया हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब हम स्कूल जाते थे उस समय भी हमारी सरकार शायद नहीं थी दिल्ली में, लेकिन स्कूलों की इतनी हालत बुरी नहीं थी, सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी। आज दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के नाम पर किराड़ी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें से कहीं के लिए बस ही नहीं है। आज किराड़ी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कह तो दिया गया था कि हम लोग भैया अस्पताल बनाएंगे लेकिन कोई अस्पताल नहीं है। तो इसलिए मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि महाठग से बचें और आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। करवा चौथ के अवसर पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस भव्य आयोजन के लिए बड़े भाई भीम जी को, हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अपना विषय रखा और अभी आपने कहा कि आप भी निःशुल्क दे रहे हैं, हम निःशुल्क दे रहे हैं लेकिन हम जन सेवा के रूप में दे रहे हैं। हम इस मेहंदी के कार्यक्रम से सरकार का कोई नुकसान नहीं होता, सरकार का जो पैसा है उसको फिजूल खर्ची में वो लोग लगाते हैं, लेकिन हम समाज सेवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही समाज सेवा कर सकते हैं, ये हम सब लगातार दोहराते आ रहे हैं। भीम जी ने एक बीड़ा उठाया, मैं ये समझता हूँ कि अगले 5 सालों में किराड़ी में इस तरह के अध्यक्ष जी भव्य आयोजन होंगे और लोग इसको, क्योंकि हम जो हमारी सरकार है वो सब अपने जो भारतीय त्यौहार हैं उन अपनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार करती रहती है, तो क्योंकि अदर पार्टियाँ जो हैं वो इस तरह के आयोजन नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी इसको भव्य रूप में मनाएगी। और राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेहंदी का आयोजन किया गया है निःशुल्क, क्योंकि 2 दिन बाद करवा चौथ का पर्व है और उससे पहले ही आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेहंदी लगवाने के लिए सुबह से ही महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेहंदी का आयोजन किया गया है जो